जय हिंद दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजी स्टडी पे दोस्तों अभी हम लेकर आ गए इंडियन एयरफोर्स वाई ग्रुप और एयरफोर्स नॉन कॉम्बिटेंट एग्जाम के लिए दोस्तों प्रीवियस ईयर के जीके क्वेश्चन का पार्ट थर्ड अगर आपने वन और टू नहीं देखे हो तो आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप लोग देख लेना या इसका मैं प्ले बना दूंगा ठीक है आप लोग प्ले से जाके देख लीजिएगा उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा प्ले लिस्ट आएगा एयरफोर्स वाई ग्रुप एंड नॉन कॉम्बिटेंट एग्जाम के नाम से बना रहेगा क्योंकि जो जी के एयरफोर्स वाई ग्रुप के अंदर पूछा जाता है

सेवा प्रमुख की जो नियुक्ति है वो कौन करता है ठीक है थल सेना की जो सेना प्रमुख है ठीक है हो जाएगा भारतीय थल सेना यहां पर थल सेवा लिखा गया एक बार इसको सही कर लें ठीक है थल सेना हो जाएगा ठीक है भारतीय थल सेना प्रमुख की जो नियुक्ति है वो कौन करता है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा राष्ट्रपति करता है कौन करता है राष्ट्रपति करता है भारतीय थल सेना की प्रमुख की नियुक्ति अब हम थोड़ा यहाँ पर देखते हैं इससे फैक्ट सबसे पहले प्रधानमंत्री आप लोग को याद होना चाहिए भारत के वर्तमान में जो प्रधानमंत्री कौन है ये तो बच्चा बच्चा को याद होगा लेकिन फिर भी ये हो जाएंगे नरेंद्र मोदी आप लोग का हो जाएगा ठीक है और वर्तमान में जो राष्ट्रपति वो कौन है द्रौपदी द्रौपदी मुर्मू है आप लोग को याद रखना है द्रौपदी मुर्मू ठीक है द्रौपदी मुर्मूर है उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है मेरे भाई वो कौन है सुप्रीम कोर्ट के तो है डी वाई चंद्रचूर है ठीक है कौन है डी वाई चंद्रचूर ठीक है चंद्रचूर है उसके बाद हमारा जो केंद्रीय मंत्री वो कौन है वो है मेरे भाई अमित शाह है कौन है अमित शाह जो हमारे केंद्रीय गृह मंत्री वर्तमान में तो वर्तमान में अभी कौन कौन क्या है वो भी जरूर याद रखिएगा बहुत बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं करेंट अफेयर के तौर पे अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे अगला सवाल दो नंबर देखो क्या कह रहा है मेरे भाई दो नंबर सवाल कह रहा है स्वतंत्र भारत का पहला और एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल जो था वो कौन था ठीक है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा सी राजगोपालचारी ठीक है स्वतंत्र भारत का पहला और एकमात्र जो भारतीय गवर्नर जनरल था वो कौन था वो था मेरे भाई सी राजगोपालचारी था अब यहाँ पर आप लोग समझिएगा मेरे भाई ये जो हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है ये फर्स्ट प्रेसिडेंट है क्या है प्रथम राष्ट्रपति हैं इंडिया के आप लोग को याद रखना है राष्ट्रपति ठीक है राष्ट्रपति हैं इंडिया के उसके बाद ये राधा राधाकृष्ण है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति हैं क्या है प्रथम फर्स्ट उपराष्ट्रपति ठीक है फर्स्ट उपराष्ट्रपति और सेकेंड राष्ट्रपति हैं क्या है सेकेंड राष्ट्रपति हैं ठीक है तो आप लोग याद रखिएगा उसके बाद यहाँ पर आप लोग देखिएगा एक मिनट मैं इसको साइज छोटा कर देता हूँ चलो अब देखो सरोजनी नायडू है ये देखो सरोजनी नायडू जो है प्रथम महिला क्या है राज्यपाल है क्या है प्रथम महिला राज्यपाल जो थी वो कौन थी मेरे भाई भारत की वो थी सरोजनी नायडू कहाँ की बनी थी तो यूपी की बनी थी आप लोग याद रखिएगा अब सी राजगोपालचारी के बारे में आप लोग को बता ही दिए इसके अलावा आप लोग याद रख सकते हैं जो मतलब कि भारत रत्न जो सबसे पहले मिला था वो सी राजगोपालचारी को मिला था तो आप लोग को याद रखना है ठीक है इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा उसके साथ साथ आप लोग एक चीज और ध्यान रखिएगा मेरे भाई यहाँ पर कि जो हम लोग के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है ठीक है ये जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है ये जो राष्ट्रपति थे ये सबसे लंबा सबसे लंबा समय काल था इनका राष्ट्रपति का सबसे ज्यादा जो शासन के थे राष्ट्रपति पद पे तो वो कौन किए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के थे 1950 में बने थे और 1950 से लेकर उन्नीस तक ये क्या किए थे राष्ट्रपति रहे थे अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे मेरे भाई तीन नंबर सवाल देखो क्या कह रहा है नोबल पुरस्कार जीतने वाला पहले भारतीय जो था वो कौन था आप लोग को बताना है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रविन्द्र टैगोर हो जाएगा देखो नोबल पुरस्कार जीतने वाले जो पहले भारतीय जो थे ना वो थे रविन्द्र टैगोर थे अब देखो रविन्द्र टैगोर जो थे ना ये तो इंडियन तो थे ही ठीक है पहले इंडियन थे ही लेकिन ये फर्स्ट फर्स्ट एशियन भी थे ठीक है मतलब कि प्रथम एशियाई भी थे प्रथम एशिया में जो पहला मतलब कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाला जो थे वो भी कौन थे रविन्द्रनाथ टैगोर ही थे आप लोग को याद रखना है इस बात को भी ठीक है उसके अलावा आप लोग यहाँ पर आप लोग को ध्यान रखना है मेरे भाई कि ये जो हम लोग के रवीन्द्रनाथ टैगोर है ठीक है ये जो रविन्द्रनाथ टैगोर है ये भारत के राष्ट्रगान ठीक है राष्ट्रगान को लिखे थे उसके अलावा ये तो इंडिया को लिखे ठीक है इंडिया को लिखे उसके अलावा बांग्लादेश बांग्लादेश के भी राष्ट्रगान को कौन लिखे थे मेरे भाई रविन्द्रनाथ टैगोर लिखे थे जिसका नाम है अमार सुनार बंगला ठीक है अमार सुनार बंगला आप लोग याद रखिएगा पूछ देता है क्वेश्चन मेरे भाई कि मतलब बांग्लादेश का राष्ट्रगान का क्या नाम है तो अमार सुनार बंगला है जिसके की रचयिता कौन है रविंद्रनाथ टैगोर हैं ठीक है अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं अगला सवाल देखिए यहाँ पर क्या करा है वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव है वो कौन है ठीक है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एंटोनियो गुटेरेस एंटोनियो गुटेरेस जो है मेरे भाई संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव है अब संयुक्त राष्ट्र संघ संयुक्त राष्ट्र संघ आ गया अब ये संयुक्त राष्ट्र संघ का आपको सबसे पहले हेड क्वार्टर पूछेगा कि इसका क्वार्टर कहाँ है मेरे भाई ठीक है बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो ये हो जाएगा न्यूयॉर्क आप लोग को याद रखना है न्यूयॉर्क इसका क्या हो जाएगा मेरे भाई संयुक्त राष्ट्र संघ के हेड क्वार्टर हो जाएंगे ठीक है और संयुक्त राष्ट्र संघ में वर्तमान कितने देश है आपसे पूछा जाएगा कि कितने देश है तो संयुक्त राष्ट्र संघ में वर्तमान में वन देश है कितने देश ने मेरे भाई वन देश है और जिसमें कि दक्षिण सूडान ठीक है क्या हो जाएगा मेरे भाई दक्षिण सूडान ठीक है दक्षिण सूडान जो है ये लास्ट देश जो है जिसको जोड़ा गया है ठीक है किसमें मेरे भाई संयुक्त राष्ट्र संघ के ठीक है ये जो एंटोरियो गुटेरेस है ये कहाँ के व्यक्ति हैं? तो ये पुर्तगाली है क्या है मेरे भाई पुर्तगाली नागरिक है और यही क्या है मेरे भाई अभी वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव है अब देखो कि एक क्वेश्चन है इससे मैंने कितना क्वेश्चन आपके बनाए संयुक्त राष्ट्र संघ के हेडक्वार्टर का है उसमें कितने देश है तीसरा अंतिम देश कौन जुड़ा तो एक दो तीन और ये चार मतलब पांच छह क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन से बना रहा हूं तो कितना बेनिफिट आप लोग का होगा एग्जाम में आप समझ सकते हो एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे मैं तो बोल रहा हूं कि एयरफोर्स के छोड़ के मेरे भाई ठीक है एयरफोर्स की आप तैयारी कर रहे हो इसके अलावा आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो ना सारे एग्जाम में बेनिफिट करेगा मैं बोल रहा हूँ कि जो भी तैयारी कर रहे ना ये फोर्स की भाई। आप नेवी की कर रहे हो फिर भी देखो मेरे भाई एयरफोर्स की कर रहे हो फिर भी देखो कोस्ट गार्ड वाले भी जरूर देखना मेरे भाई उसके अलावा मैं बोल रहा हूँ मेरे भाई कि जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं वो भी जरूर बंदी देखना एस एस जी डी की आप तैयारी कर रहे हैं बहुत लाभ मिल जाएगा इन सब जीके से मेरे भाई अच्छे अच्छे जीके लाऊंगा विद फैक्ट बताऊंगा आपको मजा आ जाएगा कसम से मज़ा आ रहा है कि नहीं आप एक और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए ठीक है पूरा जितना बता रहा हूँ आप लोग को ठीक है तो एक बार अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए बस मैं शेयर करने के लिए बोलता ना बीच में बस मैं थोड़ा सा टाइम लिया आप लोग का कि एक बार शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो पढ़ते हैं उन तक पहुंचे वीडियो तो लाभ होगा उनको भी आप चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं देखो अगला क्वेश्चन है कि अपने दूसरे उपन्यास द सेवन मून्स ऑफ मॉली अल्मेडा के लिए 2022 का जो बुकर पुरस्कार है वो कौन जीता था ठीक है ये आप लोग को बताना है तो इसका जो राइट right आंसर हो जाएगा मेरे भाई वो क्या हो जाएगा इसका राइट right आंसर हो जाएगा एक मिनट आप लोग देखना उससे पहले एक क्वेश्चन जो है पांच नंबर स्किप हो गया उस पर भी हम लोग आएंगे गया था बाईस क्या क्या का बुकर पुरस्कार दिया गया था ठीक है तो याद रखेगा ये सेहन करुणा तिलक जो थे ये कहाँ के थे मेरे भाई तो ये थे श्रीलंका के कहा के थे श्रीलंका के थे अब बात आता यहां पर आप लोग से क्वेश्चन एक और यहां से बन सकता है कि बुकर पुरस्कार है बुकर पुरस्कार यह कौन से क्षेत्र में दिया जाता है किस क्षेत्र में दिया जाता है बुकर पुरस्कार तो बुकर पुरस्कार है मेरे भाई उपन्यास ठीक है उपन्यास के क्षेत्र में दिया जाता है उपन्यास के क्षेत्र में दिया जाता है जिसमें कि आप लोग कह सकते हो साहित्य या लेखन ठीक है इन सब के क्षेत्र में क्या दिया जाता है मेरे भाई बुकर पुरस्कार दिया जाता है आपका ऑप्शन में उपन्यास है तो उस पर टिक लगा साहित्य या लेखन है तो उस पर भी आप टिक लगा सकते हो इनमें से कोई एक ऑप्शन मिलता है तो ठीक है तो ये बुकर पुरस्कार दिया जाता है आप लोग याद देखे चलिए आते पांच नंबर क्वेश्चन पे ये क्वेश्चन स्किप हो गया था देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा है बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है बिम्बिसार जो है इस राजवंश का शासक था ठीक है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई हरियक राजवंश हरियक राजवंश का कौन था मेरे भाई बिंबिसार था आप लोग याद रखिएगा और यहां से एक क्वेश्चन और बन जाता है मेरे भाई कि मतलब कि हरियक वंश का जो संस्थापक है वो कौन है मेरे भाई तो वो हो जाएगा बिम्बिसार क्या हो जाएगा हरियक वंश का जो संस्थापक है वो क्या हो जाएगा बिम्बिसार हो जाएगा मेरे भाई ठीक है आप लोग याद रखिएगा वहीं शिशुनाग वंश का आप लोग से पूछा जाए कि शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था तो वो हो जाएगा मेरे भाई क्या हो जाएगा नाम में ही है ठीक है शिशुनाग ही हो जाएगा ठीक है शिशुनाग ही जो था वो शिशुनाग वंश का संस्थापक था नंद वंश की बात करते हैं तो सम्राट महापदम ठीक है महापदम नंद महापदम नंद जो थे मेरे भाई ये क्या थे मेरे भाई नंद राजवंश के संस्थापक थे वही मौर्य मौर्य राजवंश की बात करते हैं कि मौर्य राजवंश के संस्थापक कौन थे मेरे भाई तो वो हो जाएगा क्या मेरे भाई चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा क्या हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य यहां पर मैं लिख दे रहा हूं आप लोग देख लेना चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा ठीक है तो चंद्रगुप्त मौर्य थे कितने किसके राजवंश मौर्य राजवंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे मेरे भाई चंद्रगुप्त मौर्य शिशुनाग के शिशुनाग और नंद वंश के कौन थे सम्राट महापदम नंद और हरियक वंश के कौन थे बिंबिसार थे याद रखेगा बहुत इंपॉर्टेंट है चलिए आगे बढ़ते हैं आगे यहां पर देखोगे अगला क्वेश्चन की ओर तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि मेघदूत के लेखक जो हैं वो कौन है आप लोग को बताना है ठीक है तो मेघदूत के जो लेखक है मेरे भाई वो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई ए हो जाएगा कालिदास मेघदूत के जो रचयिता है वो कालिदास है आप लोग को याद रखेगा और ये संस्कृत के महान कवि है ये क्या है संस्कृत के महान कवि है आप लोग को याद रखना है इसके अलावा आप लोग कालिदास की और भी बहुत सारे मतलब कि रचनाएं हैं जो कि आप लोग याद रख सकते हो जैसे कि आपके एग्जाम में पूछ दिया जाएगा तो और भी क्या है मेघदूत के अलावा आप लोग याद रख सकते हो मेरे भाई अभिज्ञान शकुंतलम अभिज्ञान शकुंतलम और उसके बाद अभिज्ञान शकुंतलम के बाद आप लोग एक और याद रख सकते हो रघुवंशम ठीक है रघुवंशम ये सब बहुत बार पूछा गया है मेरे भाई रघुवंशम उसके बाद आप लोग ये दो चीज आप लोग एकदम याद रखना और तीसरा मेघदूत एक करना ज्यादातर आपके एग्जाम में ये पूछे जाते हैं और भी है जो कि आप लोगों को याद नहीं करना है अभी फिलहाल के लिए इतना याद रखो ठीक है आगे चलते हैं आगे यहां पर हम लोग बात करेंगे दोस्तों आठ नंबर क्वेश्चन में लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने के लिए किसी व्यक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम जो आयु होता है वो कितना होता है ठीक है तो लोकसभा में कितना होता है मेरे भाई सबसे पहले आप लोग को बताना है तो लोकसभा में जो होता है पच्चीस वर्ष क्या होता है लोकसभा में चुनाव लड़ने के लिए जो होता है व्यक्ति किसी व्यक्ति के

अब हम लोग बात करते हैं आगे यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखो फिर से एक पूछ दिया गया कि बोकारो इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है कल ही के वीडियोज़ में हमने आप लोग को बताए थे कि Uh, मतलब इस्पात संयंत्र जो था उसके बारे में तो यहाँ पर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर चार ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों झारखंड ठीक है तो झारखंड जो uh, मतलब कि झारखंड राज्य में ही क्या है बोकारो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर क्या है बोकारो इस्पात संयंत्र अवस्थित है इसके अलावा भी मैंने कल आप लोग को मतलब कि बताया था मेरे भाई क्या चीज़ कि और भी स्टेट है जैसे कि मैंने कल पश्चिम बंगाल का बताया था कौन सा बच्चा बता सकता है अभी कमेंट में जल्दी बताओ पश्चिम बंगाल का पश्चिम बंगाल में आप लोग को पता था ना दुर्गापुर था आप लोग को दुर्गापुर में था ठीक है तो आप लोगों को पता था कि दुर्गापुर में है उसके बाद आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हो कि कि यार दुर्गापुर में जो था हम लोग का वो कौन सा था मेरे भाई दुर्गापुर में तो वो था हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड क्या है हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड था क्या है मेरे भाई दुर्गापुर में तो ये आप लोग याद रख सकते हो ठीक है चलिए आगे चलते हैं अगला सवाल की ओर अगला सवाल देखो यहाँ पर क्या करे दस नंबर और आज का आखिरी सवाल पेंसिल लीड में निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग किया जाता है पेंसिल में कौन से मतलब की अधातु का उपयोग किया जाता है मेरे भाई तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट क्या होता है ग्रेफाइट का जो उपयोग है ना मेरे भाई वो क्या क्या चीज में किया जाता है पेंसिल में किया जाता है तो आप लोग याद रखेगा अब देखो मेरे भाई गेरीफाइट जो है ये क्या है अधातु है ठीक है और गेरीफाइट क्या है मेरे भाई धातु का सुचालक है या कुचालक है तो ये क्या है मेरे भाई धातु का सुचालक है याद रखिएगा इससे जो है करंट प्रवाहित हो सकता है तो ये धातु का क्या होगा सुचालक हो जाएगा मेरे भाई क्या फाइड अधातु होने के बाद भी क्या है धातु का सुचालक है ये एक अपवाद में आता है तो आप लोग को याद रखना यहां से भी क्वेश्चन बन जाते हैं ठीक है टोटल अभी दस क्वेश्चन मैंने करवाया क्लास कैसा लगाएगा और कमेंट बताओ कितने क्वेश्चन को जान रहे थे और आप लोग इसका पीडीएफ आप लोग बिल्कुल फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ सर्च कीजिए टेलीग्राम पे जाके एट द डेट एस जी स्टडी ठीक है एस जी स्टडी करना एकदम सटा सटा के आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ज्वाइन हो जाना वहां पर पीडीएफ बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर लेना बीते आंसर आप लोग को मिल जाएगा ठीक है तो आप लोग इसे डाउनलोड कर लेना और अच्छे से जितना भी वो समझ में आया होगा ठीक है और इस वीडियो को शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए जिससे कि और भी क्लास लाओ आप लोग एयरफोर्स नॉन कम्पिटेंट के लिए नेवी वाले भी बच्चे देख सकते हैं जो एम की तैयारी करते हैं सबके लिए है मेरे भाई जीके जीके कुछ भी अलग नहीं होता कोई भी एग्जाम के लिए सबके लिए सेम होता मैं वही बोलूंगा अगर मैं हेडिंग पर लिख दू एयर फोर्स वाई ग्रुप इधर नेवी लिख दू तो नेवी वाले भी देखेंगे तो ऐसे लिख देने से कुछ नहीं होता जीके सबके लिए सेम होता है ऐसे में नेक्स्ट वीडियो से बोलोगे तो मैं लिख दूंगा उससे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन आप लोग याद करो सारे के सारे क्वेश्चन जितने बताए ना नेवी एयरफोर्स ठीक है एयरफोर्स उसके बाद आर्मी कोस्ट गार्ड डिफेंस के सारे एग्जाम में और एसएससी के सारे एग्जाम में पूछे गए सवाल है ठीक है तो आप लोग याद रखिएगा इस वीडियो को शेयर कीजिए मिलते हैं दोस्तों कौन वीडियो में तब तक ले जाए वंदमातरम